नमस्कार दोस्तों, जोपो ने लॉन्च किया है एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है फ्लैश एक्स वन। जो है कहा जाता है अब तक का सबसे सस्ता बेजल लेस फ़ोन है, यानी कि आपको पता ही होगा ये ट्रेंड चालू हो गया है इंडियन मार्केट में भी। जो फ़ोन के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, जैसे आपने सैमसंग वगैरह के 8 नोट वगैरह देखे हैं, उस तरह से आजकल फ़ोन आना चालू हो गए हैं। लेकिन सबसे सस्ता ये 6999 रुपये में आपको बेजल लेस फ़ोन। तो चलिए जानते हैं फ़ोन में क्या खास बात है। उसके पहले बता दूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बता दूँ, 5.5 इंच की स्क्रीन आएगी, क्योंकि ये 5 इंच की ही स्क्रीन के साइज़ का है, यानी फ़ोन छोटा सा ही है लेकिन इसकी रिजोल्यूशन ज़्यादा है। 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो होने के बाद ये फ़ोन की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है, डिस्प्ले बड़ा हो जाता है, इसके लिए 5.5 इंच की डिस्प्ले आती है। और इसमें 5 MP का फ्रंट कैमरा है फ्लैश के साथ में, पीछे 8 MP का है। 2500 mAh की पावरफुल बैटरी है, मेटल की फ्रेम्स आती है, फुल्ली मेटल बॉडी नहीं है उसको याद रखिएगा। 2 GB रैम और 16 GB की इनबिल्ट मेमोरी, 64 GB एक्सपैंड कर सकते हैं, और फिंगरप्रिंट सेंसर है। सबसे खूबसूरत बात यह है तो फ़ोन आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलना चालू हो गया है, आप जाके ढूंढ सकते हैं। ऑनलाइन की अवेलेबिलिटी अभी तक कुछ पता नहीं है। तो 5.5 इंच की, जैसे कि मैंने बताया, 18:9 की एस्पेक्ट रेशियो है, जिसकी वजह से फ़ोन में ऊपर नीचे कम कर दिए है बिजल्स, तो फ़ोन की क्वालिटी डिस्प्ले की बढ़ गई है, इसलिए 5.5 इंच की। लेकिन आपके फ़ोन में आराम से आएगा, फ़ोन के डिज़ाइंस में राउंडेड कॉर्नर्स दिए गए हैं, बिग स्क्रीन है, इस तरह से आपको एक लुक आएगी, देख सकते हैं। पतले वन हैंड में आप ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना 5 या 4.5 इंच का फ़ोन करते हैं उस तरह से, लेकिन इसकी डिस्प्ले जो है बड़ी है। तो एक कंपेरिजन किया गया है कि आपके फ़ोटो 16:9 का रेशियो और 18:9 का जो रेशियो, उस पर किस तरह से नज़र आएगी। तो इस पर आपका बड़ा डिस्प्ले आता है, इस पर कि आप बहुत सारी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं मूवीज़ वगैरह अपने, और इसकी डिज़ाइन को खूबसूरत बनाता है। इसकी कर्व डिस्प्ले, आप कर्व जो इसमें दी गई है, आर्क दी गई है, आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़िया से स्लिमर लुक इसको देता है, जो कि मेटल की यहाँ पे पीछे रिम दी गई है और प्लास्टिक बॉडी है इसकी। तो राउंडेड बॉडी में इस तरह से देख सकते हैं हम किस तरह से इन्होंने जूम करके दिखाया है, तो बहुत ही बढ़िया कर्व 2.5D की ग्लास है उसके लिए दिखाया गया है, बहुत ही बढ़िया उभर के आता है। और फ़ोन आप देख सकते हैं किस तरह 3 कलर खूबसूरत कलर में है, कोरल ब्लू आप देख रहे हैं इस समय, ये है सिट्रिन गोल्ड, तो ब्लू हो गया, गोल्ड हो गया, और एक है एलियन ब्लैक। तो इस तरह से 3 कलर आपको बहुत ही खूबसूरत मिलते हैं, हम दुकान पर जाके ले सकते हैं। चलिए हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में इसमें जो है पावर अप देता है मीडियाटेक का 6737, एक नॉर्मल जब प्रोसेसर है जो इस रेंज में आता है। बजट सेगमेंट में 64 बिट का है, 1.3 GHz क्वाड कोर का प्रोसेसर है, 16 GB की इनबिल्ट मेमोरी है, 2 GB की रैम है, SD कार्ड 64 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड है तो उसको याद रखिएगा। और इसमें माइक्रो सिम और एक दूसरा नैनो सिम लगेगा, या फिर आप माइक्रो सिम या फिर एक SD कार्ड लगा सकते हैं। 2G 3G 4G तीनों ही बैंड पे चलते हैं, तो जियो के सिम लगा सकते हैं। मुंबई में रहने वाले कस्टमर एयरटेल का वोल्ट सर्विस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5.5 इंच की स्क्रीन है, जिसका 1280x640 का रिजोल्यूशन है, यानी कि डबल हो गया है 18:9, तो 640 का डबल कर देंगे तो आप 1280 मिल जाएगा। तो इस तरह से रिजोल्यूशन है, जो कि अब बढ़िया सा कलर डिस्प्ले आता है आपको। 2.5D की इसके ऊपर ग्लास दी गई है, जो कि इसकी क्वालिटी को बहुत ही बढ़िया बनाता है। पीछे वाला कैमरा जो है 8 MP का है, जिसके अंदर सोनी IMX219 का सेंसर है, 2.4 का अपर्चर है। फ्रंट वाला कैमरा जो है इसका जो अपर्चर है 2.2 का है, 5 MP का है। इसमें बहुत सारे ब्यूटी मोड्स वगैरह दिए गए हैं, LED फ्लैश के साथ में आता, नाइट में भी आप सेल्फी निकाल सकते हैं। 3.5 का जैक है, जो कि आप स्पीकर पे भी कर सकते हैं उसको, ईयरफोन लगा के ब्लूटूथ वगैरह भी सर्विसेज है इसके अंदर। FM वगैरह है, जो कि ईयरफोन के थ्रू सपोर्ट करती है। NFC नहीं है, लेकिन OTG सपोर्ट करता है आपका microUSB, तो उसमें अच्छी बात है, आप अलग से एक्सपांड कर सकते हैं मेमोरी या दूसरा भी काम कर सकते हैं। 2500 mAh की पावरफुल बैटरी है, जो कि आपको एक दिन आराम से निकाल देगी नॉर्मल यूजर्स के ऊपर। 5 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का चार्जर है, जो कि फास्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतनी सारी बैटरी के लिए या इस प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया है। तो इसके अंदर ईयरफोन वगैरह आपको मिल जाएगा बॉक्स के अंदर, तो इस तरह से फ़ोन आता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये फ़ोन पसंद आएगा। इसका X2 जो सीरीज़ है, वो भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, अगर आप उसको देखना या बाय करना चाहें तो आप रिटेल स्टोर पर जा सकते हैं। भेजी टेक्निकल देख लेंगे, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।